11 फरवरी को ऐतिहासिक परसा धाम सूर्य मंदिर में मनाया जाएगा राजकीय मार्तंड महोत्सव। राजकीय मार्तंड महोत्सव के आयोजन को अंतिम रूप देने में जुटे अनुमंडल प्रशासन। SDM शैलेश कुमार चौधरी ने आयोजन समिति से जुड़े अधिकारियों के साथ की बैठक। वैश्विक कोरोना महामारी को लेकर 2 वर्ष बाद हो रही राजकीय मार्तंड महोत्सव को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल। मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड अंतर्गत ऐतिहासिक परसा धाम के सूर्य मंदिर में राजकीय मार्तंड महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। इस वर्ष 11 फरवरी को परसा धाम में बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा राजकीय मार्तंड महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर 2 साल बाद मार्तंड महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक साल ऐतिहासिक परसा धाम में मार्तंड दंड महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। झंझारपुर प्रखंड के परसा पंचायत में 80 के दशक में खुदाई के दौरान पाषाण काल में अति प्राचीन एवं खूबसूरत दिव्य प्रतिमा मिली थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा मिली प्रतिमा का सर्वेक्षण किया गया। अपने सर्वेक्षण में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस प्रतिमा को भगवान भास्कर का विशिष्ट प्रतिमा बताया और सरकार से इसके संरक्षण का प्रस्ताव दिया। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा द्वारा प्रतिमा बरामद होने वाले स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तब से इस जगह का नाम परसा धाम हो गया। 10 वर्ष पहले परसा धाम को बिहार सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया गया। तभी से प्रत्येक साल राजकीय मार्तंड महोत्सव का आयोजन होता आ रहा है। सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार? NH से लेकर के परसा धाम तक जहाँ यह महोत्सव का आयोजन किया जाना है, उस पर रूट लाइनिंग की व्यवस्था की जाएगी। 2 जगह पार्किंग होती है, वहाँ पर भी हमारा एक्स्ट्रा फोर्स होगा, चूंकि काफ़ी भीड़ की संभावना बनी रहती है, जो पिछले सालों का अनुभव है। और साथ साथ कैंपस के अंदर और आसपास जहाँ भी हो वहाँ पर दंडाधिकारी और फोर्स नियुक्त किए जाएंगे। अतिरिक्त बलों का पुलिस लाइन से भी लिया जाएगा और हम लोग खुद भी प्रवंशील रहेंगे। आज किस चीज़ की बैठक की गई और बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई? जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में पूर्व में 27 दिसंबर को एक बैठक हुई थी जिला स्तर पर प्रभारी जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में। उसी आलोक में उस काम को और उसके फॉलोअप में उस काम को और आगे ले जाने के लिए और उसके माइन्यूट्स डिसाइड करने के लिए आज अनुमंडल स्तर पर बैठक हुई थी, जिसमें सभी विभागों के द्वारा भाग लिया गया और कार्यक्रम की रूपरेखा जिस तरह से पूर्व में होता आया है उसी अनुसार कराने का सब लोगों ने सहमति दिया। और उसमें मैंने सभी का उत्तरदायित्व चिन्हित किया गया, कार्यक्रम की तैयारी के लिए क्या करना है, उन सब बातों पे विचार हुआ। और धूमधाम से 11 फरवरी को पूर्व की तरह मार्तंड महोत्सव का आयोजन होगा। उद्घाटन कौन करेंगे? उद्घाटन के संबंध में विचार हुआ है कि पहला अनुरोध पर्यटन मंत्री सह माननीय उप मुख्यमंत्री से किया जाए। अच्छा। तत्पश्चात प्रभारी मंत्री, जिले की प्रभारी मंत्री और जिनकी सहमति मिले फिर जिले के अन्य माननीय मंत्रीगण। कार्ड वगैरह छपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है क्या? उसी सिलसिले में आज की बैठक थी। अब बैठक की प्रोसीडिंग बनाकर आगे की कार्रवाई उसमें जो भी निर्णय लिया गया है वो उसके अनुसार किया जाए। आज की बैठक से यह स्पष्ट हो गया कि उप मुख्यमंत्री के भी आने की संभावना